की अच्छी पहल। जी हाँ, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के संगम क्षेत्र की, जहां आज अलकौसर सोसाइटी द्वारा संगम क्षेत्र स्थित परेड मलिन बस्ती में महिला सशक्तिकरण एवं विधिक जागरूकता का आयोजन किया गया। नाजिया ने बताया कि कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को पैतृक संपत्ति से में अधिकार, भरण पोषण अधिनियम और घरेलू हिंसा के बारे में अलकौसर सोसाइटी की ओर से महिला विधिक एवं साक्षरता शिविर के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया। अलकौसर सोसाइटी की ओर से लाए गए शिविर में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर कंचन सिन्हा ने महिलाओं को विधिक परामर्श देते हुए कहा कि महिला शिक्षित होकर हर हिंसा के प्रति सजग रहने की नसीहत देते हुए उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमिता राजपूत ने महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दिया। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। आज हम लोगों ने विधिक जागरूकता अभियान चलाया है यहाँ पर। अगर हम बस्तियों की बात करें स्लम में, तो यहाँ पर कमिटमेंट लेवल नहीं है। कब पुरुष महिलाओं को छोड़ देता है, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो मेरा मानना है कि इस तरीके की बस्तियों में विधिक जागरूकता अभियान चलाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है। इस वजह से वो अपने कानूनी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि वो अब कानून के बारे में जानेंगे तो उनको कानून का लाभ मिलेगा। और इसी पर्पस से आज हमने यहाँ पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम के साथ साथ हमारा प्रयास ये रहा कि महिलाओं को हम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं से जोड़े और महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए। चूँकि इस तरीके की बस्तियों में कई सारे समूहों का गठन हुआ है, तो आज भी हम लोगों ने दो समूह तैयार किए और जो नगर निगम में पंजीकृत कराएंगे हम। ये अभियान आपका कब तक चलेगा? ये अभियान आज हम लोगों ने शुरू किया है बस्तियों में, अब ये निरंतर बस्तियों में चलेगा। ये महिला सशक्तिकरण और विधिक जागरूकता कार्यक्रम। नाजिया नफीस, सोशल वर्कर।